सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। केंद्र दे तीन खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली दे बार्डर ते चल रहे अंदोलन नूं देखदिआं भावें केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां दे नाल मीटिंगां दा दौर लगातार जारी है, पर हर मीटिंग दे विच माहौल बदल जांदा है। जिथे 30 दिसंबर की मीटिंग तो बाद माहौल हाँ पक्षी बन गया सी अते लग रहा सी कि 4 जनवरी वाली मीटिंग तो बाद मसला निबड़ जाना है, किसानां ने रद्द करवा के खेती कानून आपो अपने घरां नूं परत जाना है। पर 4 जनवरी की मीटिंग ने माहौल होर भी ज्यादा गर्म कर दिता है। माहौल तलखी वाला बनता दिखाई दिता है। किसान आगुआ ने हुण ऐलान कर दिता है कि एक किसानी अंदोलन लम्मा चलेगा अते बहुत लम्मा चलेगा। अते ए ऐलान मीटिंग तो वापस जांदिया रस्ते दे विच ही किसान आगुआ दे वल्लों कर दिता गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर कहिंदे ने केंद्र सरकार की नीति अते नीयत दोनों दे विच खोट है। केंद्र सरकार की नीयत ते नीति दोवें खोटियां ने। साडा पहलो निर्णा सीगा भी मीटिंगां च जिस किस्म के प्रधानमंत्री जी के बयान आते हैं, जो कुछ वो बोल रहे ने, कह रहे ने, मीटिंगां का कोई सिट्टा नहीं निकलने वाला। तो अज की गलबात तोमर जी ने सीधे असिधे रूप में यह गल्लां कह भी दित्तियां सीगियां भी खेती के कानून वापस नहीं रह सकते। वो तो यह भी कह गए भी पार्लीमेंट दे विच पास होया, राष्ट्रपति ने सैन किए, इनू किवें वापस लईए, तुसीं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये भी गल्लां होईयां, काफ़ी तलखी भी हुई बहुत सारे थावां ते। किसान सारे आगू इस गल ते सीगे भी यह खेती के कानून वापस लाए उत्ते गल की जाए। वो इस गल ते अड़े हुए भी तुसीं खेती कानूनां विच को घाट कट के दसो। असीं आख्या सी पहलो कल्ले कल्ले अखर ते पहले पहले लाइन ते घाट कट दित्ती आ, सो वापस लो। इस गल ते गल अड़ी रही 35 मिनट। मंत्री साहब पहलों लेट आए, सब तो पहलों आपां सरकार ने भी असं खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलियां दित्तियां। फिर लंच तो बगैर 2 घंटे मंत्री साहब लेट आए, 5 तो 10 बजे मीटिंग चली, 3:30 बजे लंच ब्रेक तो बाद। वो केड़ियां सलाहां करते रहे ये सानू नहीं पता। आके भी कोई सही निर्णय नहीं दिता गया। गोलमाल गल्लां कीतियां गईयां भी असी अगले दौर की चर्चा कर ली, 8 तरीक तय की गई, ठीक है। तो इस करके उहदे विच भी MSP ते कोई बहुती गलबात नहीं हो सकी। तो जो सरकार का रौ रवैया तरीक ते तरीक आ, कोई गलबात चो निकल पैण वाला है नहीं गा। सो इस करके असं फिर कहने भी पंजाब के लोगों को अपील करते हैं भी 26 जनवरी के अंदोलन की तैयारी वड्डे पद्धर से की, नौजवानों किसानों मजदूरों देशवासियों भी वड्डे पद्धर से अंदोलन की कह रहे हो। अंदोलन लम्मा चलूगा, बहुत लम्मा चलूगा। सो कनिंदर बजेदिया और सारे किसान संगठनों ने एक मुठ होकर कहा भी साडा अंतम निर्णय यह मनो भी असी खेती कानूनों तो वापस लैन तो होर कोई विचकारले राह की गल नहीं करनी। दूजे पासे जेकर गल की जाए भारत सरकार की, तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है इस सारा ठीकरा सारा भांडा किसान जथेबंदियों के आगुआ के सिर भन्न दे दिखाई देते हैं। मीटिंग तो बाद उन्होंने भी बयान सामने आया, उन्होंने कह दिता कि जिहड़ा इक्को गल ते अड़े हुए ने कि खेती कानून रिपील ही होने चाहिए ने, रद्द ही होने चाहिए ने, उस करके ही कोई मसला निबड़ता दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने बयान भी तुहानू सुना दिंदे आ। थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। किसान आते केंद्र सरकार इस तरह बयानबाजी दे विच भी एक दूजे दे आमो सामने हुंदे दिखाई देंदे ने, आते माहौल तलखी वाला बनदा दिखाई देंदा है। जेकर सियासी पार्टियां दी गल करिए तां कांग्रेस पार्टी दे बुलारे डॉक्टर राजकुमार वेरका दा बयान भी इस मीटिंग दे बेसिट्टा रहण ते सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार नूं सलाह दे दित्ती है कि शेर दे मूंह विच हथ उन्हां नूं नहीं पाउणा चाहीदा। बई केंद्र दी सरकार किसानां नूं बड़ा हल्के च लै रही है और किसानां दा सबर दा पैमाना भरदा जा रहा है,
पूरी दुनिया देश वाले पासे देख रही है, पूरी दुनिया केंद्र की सरकार नू ए गल वास्ते अपील कर रही है कि केंद्र की सरकार किसानों ते जुलम करना बंद करे, किसानों के उपर तरस करे। लेकिन तरीक ते तरीक होर किन्नियां तरीकां देनियां है मोदी साहब। ये किसान जड़े है इन्हां दे नाल चूहे बिल्ली का खेल ना खेलो। और ये गल का ध्यान रखना, जिस तरह बिल्ली चूहे नूं पंजा मार मार के पहले बेहोश कर दी है, ये किसानां नूं तुसी बेहोश करन दी कोशिश कर दे हो। लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं, तुसी शेर दे मुँह च हाथ पाउण दी कोशिश कर रहे हो, ये बहुत महंगा पेगा। ज्यों ज्यों किसानां अते केंद्र सरकार दीआं मीटिंगां बेसिट्टा रह रहीआं ने अते अंदोलन अगे वध रिहा है, त्यों त्यों ही आम लोकां दे विच वी केंद्र सरकार दे खिलाफ गुस्सा लगातार वधदा दिखाई दिंदा है। क्योंकि जिहड़े लोक किसानी नाल संबंध नहीं वी रखदे उन्हां नूं वी इस वेले दिखाई दे रिहा है कि किन्नी ज़्यादा ठंड है, अते खेती कानून रद्द करवाउण दी गल किसानां वल्लों कीती जा रही है। केंद्र सरकार उस गल वल नूं आउंदी दिखाई नहीं दिंदी है। इस तरह हुण होर वर्गां दे लोक वी इन्हां किसानां दा समर्थन करदे दिखाई देंदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू शहरी इलाकों में जाके भी किसानों के पक्ष के लामबंदी करते देखे जा सकते हैं। अमृतसर के मशहूर ज्ञानी टी स्टाल से अज चाह पीन के लिए नवजोत सिंह सिद्धू गए सन। उत्थे उन्होंने अमृतसर के शहर वासियों यह गल जचाउण की कोशिश की। उन्होंने पूरा जोर लाया है कि यह सिर्फ किसानों का अंदोलन नहीं है, क्योंकि जेकर यह खेती कानून लागू होंगे ने तो हर वर्ग में इसका नुकसान होएगा, हर वर्ग से ही इसका असर पड़ेगा। कारपोरेट घराणे के लिए ही यह कानून नरेंद्र मोदी के वलों बनाए गए हैं। जेकर गल करिए शहरी लोगों की तो उन्होंने वालों भी भरपूर समर्थन किसानी अंदोलन दिता जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, जिस दे विच मोहाली की 3B2 की मार्केट है, जिथे बाहर पोस्टर बैनर ला दिए गए हैं, जिस विच सीधे तौर पर लिखा गया है कि अंधभक्त इत्थे अलाउड नहीं, असी सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं अपने किसान भरावां दा। सारियां दुकानां दे बाहर ये बैनर टंग दिते गए ने तां जो दस्या जा सके कि असी इस वेले केंद्र सरकार दे नाल नहीं सगों अपने किसानां दे नाल हाँ। इस तरह भावें कोई किसानी करता है, भावें कोई किसानी नाल संबंधित है जां फिर नहीं, हर एक वर्ग किसानां दे समर्थन विच आउंदा दिखाई दिंदा है। जेकर गल करिए कि बार्डरां ते बैठे किसानां दे इस वेले हौसले किवें देणे, इन्नियां मीटिंगां हो चुकियां ने, 7 गेड़ां दी गलबात हो चुकी है, उसके बावजूद अजे तक कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया। लगभग केंद्र सरकार कह चुकी है कि खेती कानून रद्द नहीं करांगे, दिल्ली बार्डर से बैठे किसानों के हौसले किवें देने उसकी एक उदाहरण तुहानू दिखाउण जा रहे हैं। इस वीडियो दे विच ए व्यक्ति अनाउंसमेंट कर रहा है, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों तो बार्डर से मीह पै रहा है, मीह के करके कुछ लोग लंगर के खाना खाने लिए लंगर छकन नहीं जा सके सन। जो लंगर लाते हैं गड्डिया के लंगर लद के स्पीकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ट्रालियां दे अगे ले जाके गड्डी ला दिंदे ने अते ट्रालियां दे विच ही लंगर सप्लाई कीता जा रहा है। अनाउंसमेंट की कीती जा रही है वो भी तुसी सुन सकदे हो। केड़ा होवे कोई प्रसादा पानी छकन ना गया होवे भी अपने कपड़े गंदे हो जाणगे जे पाचांगे। नवीर जी प्रसादा तुहाडे ट्रैक्टर ट्राली दे कोले पहुंच चुके हो ते तुसी प्रसादा पानी जरूर छके सोना, कोई भी मेरा वीर भुखा ना सोवे। सारे वीरां दे चरणां च बेनती आ हौसला किवें दा है उसका अंदाजा सहजे ही लाया जा सकता है। किसान तो यह भी ऐलान कर चुके ने लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि 26 जनवरी तक के प्रोग्रामों का ऐलान किसान जथेबंदियों के वलों कर दिता गया है। एक तो गणतंत्र दिवस से भारत देश के वलों परेड की जाएगी जिड़ी कि हर साल होंगी है, इस बार किसान ट्रैक्टर परेड भी दिल्ली के विच की जाएगी। अजिहा ऐलान किसान जथेबंदियों के वलों किया गया है। कहिंदे ने पहला ही साढ़े अंदोलन वल पूरी दुनिया देख रही है, पर जिहड़ा 26 जनवरी का प्रोग्राम दिता है
दुनिया देखेगी। कदे भी दुनिया के इतिहास के अजिहा प्रोग्राम नहीं होया होएगा, अंदोलन रोस प्रदर्शन नहीं होया होएगा जिहड़ा कि 26 जनवरी होना है। इस तरह जिन्ना लंबा समा केंद्र सरकार इस मसले को लमका रही है उन्ना ही तिखा संघर्ष किसानों के वलों किया जा रहा है कि उन्होंने ये समा जो लंघाया जा रहा भारी पेगा। ये तो आने वाले समय में देखने वाली गल होएगी, पर यह सवाल असं थोड़े को भी पूछ लेना चाहते हैं कि तो लगता है कि छेती तो छेती केंद्र सरकार इस मसले का कोई ना कोई हल कढ़ देना चाहिए है, नहीं तो होर भी भारी केंद्र सरकार पै सकता है, संघर्ष होर भी तिखा हो सकता है। तुहाडी जो भी राय है कमेंट करके खुल के बेबाक हो के अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर निरपक्षता नाल देखते रहना चाहते हो तो यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नू सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर एक खबर तुसी फेसबुक ते देख रहे हो तो फेसबुक ते द पंजाब टीवी का पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा, तुसी देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर का सच।